So students, previously we discussed various economic importance of gymnosperms, and I had told you that gymnosperms are great source of food and also they provide various medical and other benefits. Many families of Cycas are used for various purposes. For example, gum which is extracted from Cycas can be used in snake bites. Cycas से एक खास किस्म का गूंद जैसे निकलता है जिसको सांप के डसने का जो जहर चढ़ता है वहाँ पर यूज़ करेंगे तो काफ़ी बेनिफिट होता है. सिमिलरली साइकास की जो वुड है या दूसरे जिम्नोस्पर्म्स की वो वाइडली यूज़ होती है पेपर इंडस्ट्रीज़ में. साइकास के जो लीव्स हैं वो हैंड्स बास्केट्स ब्रूम्स हैट्स डोर मैट्स वगैरह यूज़ करने इनको बनाने में काफ़ी यूज़ होते हैं. टीक एंड रोजवुड और यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीम्स डोर्स फ्लोरिंग पोल्स रेलवे एक्सेट्रा. नाउ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स आर यूज्ड एज फूड फॉर एग्जाम्पल व्हीट राइस कॉर्न एक्सेट्रा. स्टार्ची फूड सच एज पोटैटोज legumes are also used in large quantity. legumes जिसको हम फलीदार पौधे कहते हैं leguminosae family जिसमें राजमा की फलियाँ आती हैं दूसरे जितने भी मटर है जिनमें जितने भी leguminous plants हैं उनको large quantity में दालों के रूप में या आप different varieties जो processed food बनाते हैं वहाँ use होते हैं. angiosperms are not only great source of food for human beings but they are also great source of food for birds. jitne bhi hamare wild organism hain especially birds unka ek great source of energy hai and great source of food hai. yahan tak ke mammals which have mammary glands which feed their babies milk ya dusre words mein जिनमें मदर जो है अपने बच्चे को जन्म देती है उनको मैमल्स कहते हैं. द फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ फार्माक्यूटिकल्स. मेडिकल इंडस्ट्री में एंजियोस्पर्म से जितने भी ऑलमोस्ट फ्लावर्स निकलते हैं किसी न किसी रूप में ये फ्लावर्स फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री मेडिकल इंडस्ट्री जहाँ दवाइयाँ बनाई जाती हैं एस्पेशली जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं उनमें इनका काफ़ी जो है उपयोग किया जाता है. They are also great source of fiber products, timber, ornamental and other commercial products. Example जो है हमारे पास primary endosperm nucleus. PEN का मतलब होता है primary endosperm nucleus. एंजियोस्पर्म्स की एग्जाम्पल जितने भी अनाज वाले पौधे हैं वो सब के सब एग्जाम्पल हैं. जितनी भी दालें हैं वो सब के सब एग्जाम्पल हैं. जितने भी बीज के ऊपर हार्ड कोट होती है उनको हम एंजियोस्पर्म्स में ही लाते हैं. कुछ टर्म्स हैं जैसे PEN का फुल फॉर्म क्या है दैट इज़ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. डबल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ अकरेंस ऑफ टू फ्यूजन दैट इज़ सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. सिनगैमी क्या हुआ फ्यूजन ऑफ टू सेल्स और ऑफ दियर न्यूक्लिय इन रिप्रोडक्शन इज नाउन एज सिनगैमी. जब दो सेल्स आपस में फ्यूज करते हैं रिप्रोडक्शन में उसको सिनगैमी कहते हैं. जब तीन सेल फ्यूज करते हैं द फ्यूजन इन्वॉल्विंग टू पोलर न्यूक्लियस एंड अ स्पर्म. पोलर न्यूक्लियस दो हैं और एक स्पर्म जो है जब फ्यूज करता है तो आप तीन फ्यूज किए तीनों के फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं और दो के फ्यूजन को सिनगैमी कहते हैं. छोटी सी
टर्म्स और डिस्कस करते हैं, और ऑलमोस्ट हमारा ये जो है वी आर ऑन द कंप्लीशन ऑफ सेकंड यूनिट। थोड़ा सा फिनिशिंग टच हम दे देंगे एक वीडियो में, और अगर कुछ आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस वगैरह हों, लेकिन ऑलमोस्ट जो है बड़े डिटेल में मैंने आपको इतनी सी वीडियोस में ये बता दिया है। आप इन वीडियोस को बार बार देखिए और अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल बिटवीन द लाइन स्टडी कीजिए। आप एंजॉय भी करेंगे, अंडरस्टैंड भी करेंगे और आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। नाउ लेट अस डिस्कस अनदर कंसेप्ट, दैट इज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन का मतलब होता है चेंज होना, जनरेशन का मतलब मान लो किसी पौधे के ऊपर गैमिटोफाइट बनता है तो एक फेज गैमिटोफाइट हो गया जब गैमिट्स तैयार होते हैं, और एक फेज आता है जब स्पोरोफाइट तैयार होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, सभी ने देखा है, हम गंडे लगाते हैं ऑनियन, आपने देखा होगा कि गंडे के बीजों की पहले पौध लगाई जाती है, थली जिसको हम बोलते हैं, फिर जब वो बीज तैयार हो जाते हैं, जब हम उनको खेत में लगाते हैं तो कुछ समय के बाद हमें गंडे तैयार हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी आपने घरों में देखा होगा कि गंडे आपने रख लिए और उसके बाद कोरोना की हालत थी, आप घूमने फिरने चले गए, दो दिन के बाद आए तो आपने देखा गंडे के ऊपर जो है पौधे बन गए हैं। अब आपने क्या किया कि वो गंडा लेकर खेत में लगा दिया। जिन लोगों ने लगाया होगा वो देखेंगे कि जब आप गंडा लगाएंगे पौधा बनेगा और उसके ऊपर सीड्स बनेंगे, बीज बनेगा, अब नीचे गंडा तैयार नहीं होगा। जब हमने ट्यूबर लगाया तो बीज तैयार हुआ, और जब बीज डाला तो ट्यूबर तैयार हुआ। दिस इज नोन एज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। गैमिटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट आएगा, स्पोरोफाइट के बाद गैमिटोफाइट आएगा। द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमीट प्रोड्यूसिंग गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट प्रोड्यूसेस गैमीट्स, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। चेंज करना, स्पोरोफाइट गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट स्पोरोफाइट। गंडे से बढ़िया एग्जाम्पल और क्या मैं आपको दे सकता हूँ? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है कि स्पोरोफाइट बनेगा, उसके बाद गैमिटोफाइट बनेगा, गैमिटोफाइट बनेगा, उसके बाद स्पोरोफाइट बनेगा। द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमीट्स, गैमीट्स जो है दे हैव द हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज वाई दे आर नोन एज हैप्लॉइड न्यूक्लियस, वेयर एज जाइगोट इज द डिप्लॉइड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसमें डबल होते हैं। द प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट्स अ गैमिटोफाइट फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनता है, जाइगोट माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड करता है और एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट तैयार हो जाता है, अब प्लांट बॉडी बन गई। अब जैसे ही हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए, वो जो हैं उनमें मियोसिस होता है और बाद में उनके में माइटोसिस होता है और हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन बन जाती है। मतलब क्या हुआ कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी ने गैमीट तैयार किए, गैमीट आपस में फ्यूज किए तो जाइगोट बना, जाइगोट फिर डिवाइड किए तो स्पोरोफाइट बन गया, स्पोरोफाइट ने स्पोर्स तैयार किए जो हैप्लॉइड होते हैं, तो हैप्लॉइड से शुरू हुए थे तो वापस हैप्लॉइड पर आए, मींस बीच में स्पोरोफाइट वाला फेज भी आ गया और गैमेटो फेज वाला भी आ गया। दिस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हाउएवर डिफरेंट प्लांट्स ग्रुप्स एज वेल एज इंडिविजुअल्स डिफर इन द फॉलोइंग पैटर्न। स्पोरोफाइट जनरेशन इज सेपरेटेड ओनली बाई वन सेल्ड जाइगोट। कुछ डिफरेंसेस हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन में, एक सेल दैट इज जाइगोट से रिप्रेजेंट होता है, देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स, स्पोरोफाइट अकेला अपने आप में सर्वाइव नहीं कर सकता है। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट्स इज द फ्री लिविंग गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट बनेगा, फोटोसिंथेसिस होगी, फिर स्पोरोफाइट बन सकता है, सीधा ही स्पोरोफाइट नहीं बन सकता है, स्पोरोफाइट का अपना फ्री लिविंग नहीं है, जब तक गैमिटोफाइट नहीं होगा तो स्पोरोफाइट अकेला अपने आप में सर्वाइव नहीं कर सकता। एग्जाम्पल
क्रेमडोमोनास, स्पायरोगायरा वगैरह, ये एल्गीज में होता है। अदर टाइप वेयर द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज। द गैमेटोफाइटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाई द सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। द ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट एंड इंटरमीडिएट कंडीशन। एक अभी बताया कि जिसमें गैमेटोफाइट जो है डोमिनेटिंग फेज है, और एक बताया जिसमें स्पोरोफाइट डोमिनेटिंग फेज है, जैसे ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है। दिस वॉज ऑल अबाउट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट लाइफ साइकिल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, एंड बोथ दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू वेरी मच।